तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5000 से लेकर 10000 तक के बजट रेंज में आने वाले कुछ तगड़े तगड़े Xiaomi Redmi के स्मार्टफोन्स। तो अगर आपका बजट रेंज इसी के आसपास है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने बजट के अकॉर्डिंग एक बेस्ट स्मार्टफोन को सेलेक्ट कर पाए। और जिन भी स्मार्टफोन्स को मैंने सेलेक्ट किया है ना वहाँ पर आपको तगड़ा प्रोसेसर मिल जाएगा, मीडियम लेवल तक आप गेमिंग कर सकते हैं, अच्छी खासी कैमरे की क्वालिटी मिल जाती है और बेस्ट स्पेसिफिकेशन मिलने वाली है। तो अगर आपका बजट रेंज 5 से 10000 के आसपास है और अभी आप कन्फ्यूज हो कि कौन से Redmi स्मार्टफोन को कंसिडर करना चाहिए, तो आज के इस वीडियो में आपके लिए सेलेक्ट किए हैं टॉप 5 बेस्ट Redmi स्मार्टफोन्स अंडर 10,000 जो कि आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते और बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारे लिस्ट नंबर 5 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है Xiaomi की तरफ से Redmi A1। तो दोस्तों अगर आपका बजट 5 से 6,500 के आसपास है तो आप इस स्मार्टफोन को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। रिसेंटली लॉन्च हुआ था और तगड़ा डिजाइन दिया गया है। बात कर लेते हैं A1 के स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पर आपको 6.52 इंचेस की HD प्लस वाली IPS LCD पैनल मिलती है जो कि 60Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 400 nits की पिक ब्राइटनेस भी है और 3.5mm का हेडफोन जैक मिलने वाला है। बैक में आपको लेदर टेक्सचर वाला डिजाइन देखने को मिल जाएगा। बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पर आपको MediaTek की तरफ से Helio A22 वाला प्रोसेसर मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन Android 12 Go एडिशन पे आता है। 5000mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि सपोर्ट करती है 10W के फास्ट चार्जिंग स्पीड को। बात करें कैमरे की तो यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा जिसमें से प्राइमरी कैमरा 8MP का है और दूसरा कैमरा 2MP का AI शूटर है। फ्रंट में भी आपको 5MP का सेल्फी जीटर मिल जाता है। ये स्मार्टफोन आपको 3 कलर वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है जहाँ पे आप 512GB तक अपनी स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। LPDDR4 की रैम है, EMMC 5.1 की रोम है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो इस स्मार्टफोन का 2GB रैम प्लस 32GB रोम वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है 6,499 रुपीज में। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे लिए इसमें नंबर 4 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है Xiaomi की तरफ से Redmi 10A। ये जो स्मार्टफोन है ना रिसेंटली लॉन्च हुआ था और Redmi 9A, Redmi 9i इन सब का एक अपग्रेडेड वाला वेरिएंट है। तो अगर आपको कोई सा एक लेटेस्ट Redmi का स्मार्टफोन चाहिए था और अभी आपका बजट रेंज 8000 के आसपास है तो आप 10A को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 6.53 इंचेस की HD प्लस वाली एक TFT डिस्प्ले मिलती है जो कि एक वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले है। 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया और 400 nits की पीक ब्राइटनेस मिलने वाली है। यहाँ पर आपको बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा और 3.5mm का हेडफोन जैक भी दिया गया है। बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पर आपको MediaTek की तरफ से G25 वाला ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड पे आता है, MIUI 12.5 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी मिलती है जो कि सपोर्ट करती है 10W के फास्ट चार्जिंग स्पीड को। बात करें कैमरे की तो यहाँ पर आपको बैक में सिंगल कैमरा सेटअप मिलेगा 13MP का और फ्रंट में 5MP का सेल्फी जीटर दिया गया है। ये स्मार्टफोन भी आपको 3 कलर वेरिएंट में आते हुए देखने को मिल जाता है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो इस स्मार्टफोन का 3GB रैम प्लस 32GB रोम वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा 7,990 रुपीज में। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट में नंबर 3 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है Xiaomi की तरफ से Redmi 9 Active। तो दोस्तों अगर आपको 8000 तक के बजट में कोई ऐसा एक पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ आने वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप 9 Active को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 6.53 इंचेस की HD प्लस वाली एक ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि एक IPS LCD वाली पैनल है। 400 nits की पिक ब्राइटनेस मिल जाएगी। बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया और 3.5mm का हेडफोन जैक भी मिलने वाला है। बात कर लेते हैं प्रोसेसर की तो यहाँ पर आपको MediaTek की तरफ से Helio G35 वाला एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है जो कि 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे वर्क करता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पे आएगा और MIUI 12 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी मिलती है जो कि सपोर्ट करती है 10W के चार्जिंग स्पीड को। बात करें कैमरे की तो यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा जिसमें से प्राइमरी कैमरा 13MP का है और दूसरा कैमरा 2MP का डेप्थ शूटर है। फ्रंट में भी आपको 5MP का सेल्फी शूटर मिलेगा। यहाँ पर आप 1080p तक की वीडियोस को 30fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं फोटोग्राफिक फीचर्स की तो यहाँ पर आपको AI सीन डिटेक्शन मिल जाता है, AI पोर्ट्रेट मोड है, AI ब्यूटी मोड है और सिंगल टोन फ्लैश भी दी गई है। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड HD कार्ड स्लॉट मिल जाएगा, P2i वाला स्प्लैश प्रूफ डिजाइन है, LPDDR4X की रैम है, EMMC 5.1 की रोम है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो इस स्मार्टफोन का 4GB रैम प्लस 64GB रोम वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है 7,999 रुपीज में। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट नंबर 2 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है Xiaomi की तरफ से Redmi 10। तो दोस्तों अगर आपका बजट 10,000 के आसपास है और इस बजट में आपको कोई सा एक अल्टीमेट लेवल का Redmi का स्मार्टफोन चाहिए जहां पर आपको पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ साथ अच्छे खासे कैमरे की क्वालिटी और तगड़ी स्पेसिफिकेशन मिल जाए तो Redmi 10 को आप एक बार जरूर कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 6.71 इंचेस की HD प्लस वाली IPS LCD पैनल मिल जाती है जो कि 60Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। 400 nits की पिक ब्राइटनेस मिल जाती है। बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है और 3.5mm का हेडफोन जैक भी मिलने वाला है।
बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 680 वाला एक पावरफुल 4G प्रोसेसर मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पे आता है और MIUI 13 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिलने वाला है। 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि सपोर्ट करती है 18W के फास्ट चार्जिंग स्पीड को। बात करें कैमरे की तो यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50MP का है, सैमसंग का सेंसर यूज किया गया है, दूसरा कैमरा 2MP का डेप्थ शूटर और फ्रंट में 5MP का सेल्फी शूटर मिलने वाला है। स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा 60fps पे, 10x तक डिजिटली जूम कर सकते हैं, उसके साथ साथ प्रो मोड, नाइट मोड, HDR और मूवी फ्रेम जैसे फोटोग्राफिक मोड्स मिलने वाले हैं। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स के तो यहाँ पर आपको वाइड बैंड L1 का सपोर्ट मिल जाएगा, डेडिकेटेड HD का स्लॉट है, स्मार्टफोन 3 कलर वेरियंट के साथ आता है और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो इस स्मार्टफोन का 4GB रैम प्लस 64GB रोम वाला वेरियंट आपको देखने को मिल जाएगा 9999 रुपीज में। उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट नंबर 1 पर जो स्मार्टफोन आता है वो आता है Xiaomi की तरफ से Redmi Note 11। इस स्मार्टफोन को मैंने उन लोगों के लिए रखा है जो अपने बजट रेंज को 10,000 से थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं या फिर जिन्हें एक तगड़ा Redmi का स्मार्टफोन चाहिए, तो आप Note 11 को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि Note 11 की प्राइसिंग भी अभी के टाइम पे थोड़ी सी बढ़ी हुई है, 13,000 के आसपास मिल रहा है, पर अगर आपको कोई ऐसा अल्टीमेट लेवल का Redmi का स्मार्टफोन चाहिए तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं इस स्मार्टफोन के लिए। ये स्मार्टफोन आपको आराम से 11,000 से 12,000 के बजट में मिलने वाला है। बात कर लेते हैं Note 11 के स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पर आपको 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस वाली AMOLED डॉट डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है, 1000 nits की पिक ब्राइटनेस मिल जाएगी, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है और 3.5mm का हेडफोन जैक भी दिया गया है। बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 680 वाला एक पावरफुल 4G प्रोसेसर मिलता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पे आता है और MIUI 13 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि सपोर्ट करती है 33W के फास्ट चार्जिंग स्पीड को। बात करें कैमरे की तो यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलने वाला है जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50MP का है, अपर्चर f1.8 का, दूसरा कैमरा 8MP का अल्ट्रा वाइड, तीसरा और चौथा कैमरा 2+2MP के मैक्रो डेप्थ शूटर है। फ्रंट में भी आपको 13MP का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है 30fps पे, उसके साथ साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, ZXS लीनियर वाइब्रेशन मोटर है, रैम एक्सपेंशन का सपोर्ट भी दिया गया है और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो स्मार्टफोन का 4+64GB रोम वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा 12,999 रुपीज में। तो दोस्तों ये तो थे हमारे लिस्ट के टॉप 5 बेस्ट रेडमी स्मार्टफोन जिनकी प्राइसिंग आपको 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में देखने को मिल जाती है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग किसी भी रेडमी स्मार्टफोन को सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।